सिर्फ ये है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आजकल हम देखेंगे हमारे आसपास में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि दिल्ली और पंजाब के शहर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। जैसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग सेटलिंग टैंक में मिला देते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो भी इसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग मतलब नीचे सेटल कर देते हैं। यहाँ पे जितने पर्टिकुलर्स वहाँ पे क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद कार्बन फिल्टर पे हम आते हैं। कार्बन फिल्टर में क्या होता है, जो भी उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। कार्बन फिल्टर मतलब उसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन होता है, वो अपने अंदर एक्टिवेटेड कार्बन अपने अंदर जितनी पर्टिकुलर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लोरिनेशन टैंक में आते हैं। क्लोरिनेशन टैंक में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, उसके अंदर क्लोरीन होता है, क्लोरीन यानी सीएल में मतलब उसके अंदर ये अब्जॉर्बेंट की शक्ति होती है कि अपना जो जितनी बैक्टीरिया था वो क्लीन कर देता है और साथ ही साथ हमारा पानी एकदम प्योर हो जाता है। और इसके अंदर आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जितने भी मतलब जो गंदे पानी के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ हमारा पानी एकदम क्लीन हो जाता है। उसके अंदर आते हैं एयर ट्रीटमेंट प्लांट। पोल्यूटेड एयर जो फैक्ट्री से निकलती है तो उसको हम साइक्लोन सेपरेटर में डालते हैं। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, जाने वाली एयर होती है वो पाइप से टकरा हो उसके पार्टिकल्स की स्पीड स्लो होती है। उसकी स्पीड स्लो होने के बाद उसके अंदर जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे भी कलेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग फिर साइक्लोन सेपरेटर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, उसके अंदर जितने भी आने वाली पोल्यूटेड एयर होती है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं और जो अंदर लगे हुए प्लेट्स होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम लोग उसके अंदर जो नेगेटिव एयर आती है उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट पर जब डालते हैं तो उसके अंदर जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही साथ हम उसको क्लीन भी कर सकते हैं। और उसके अंदर आते हैं स्प्रे ऑब्जॉर्बर में। स्प्रे ऑब्जॉर्बर में क्या होता है, नीचे से आने वाली जो एयर पोल्यूटेड होती है उसके अंदर सॉक्स एंड नॉक्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर की कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट यानी कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो नीचे से पानी डालते हैं ऊपर से जब एयर आती है तो ऊपर से जब आने वाली एयर होती है तो नीचे से पानी जो आता है मतलब बबल्स की शेप में आता है, तो जो बबल्स की शेप में आने वाला पानी होता है वो अपने अंदर जितने भी सॉक्स एंड नॉक्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारा अंदर जो एयर होती है एकदम क्लीन हो जाती है और हमारी जो एयर होती है ऊपर से आउट हो जाती है। जो पानी होता है उसके अंदर जितने भी सॉक्स एंड नॉक्स होते हैं उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं।